हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं MBBS इन जॉर्जिया के बारे में। तो इसमें जानेंगे हम जॉर्जिया कंट्री के बारे में, जॉर्जिया में आपका बजट कितना आ सकता है, आपके एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, आपको कैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए और कैसी में आपको नहीं लेना चाहिए, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा MBBS इन जॉर्जिया की जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉर्जिया कंट्री की। तो जॉर्जिया को लेकर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यह है कि जॉर्जिया यूरोप में आता है या एशिया में आता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ना ही वो यूरोप में आता है ना ही वो एशिया में आता है। तो अगर आप सर्च करेंगे, यूरोप की कंट्री सर्च करेंगे, तो उसमें आपको कहीं भी जॉर्जिया का नाम देखने को नहीं मिलेगा और एशिया में भी आपको नहीं मिलेगा नाम इसका। तो एक अलग से कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया के बीच में है। जॉर्जिया की कैपिटल है तिबलिसी। और अगर हम बात करें जॉर्जिया की करेंसी के बारे में, तो जॉर्जिया की करेंसी है जॉर्जियन लारी। और एक INR को अगर हम कन्वर्ट करते हैं जॉर्जियन लारी में, तो वो बनता है 24 रुपीज के आसपास। इसका जो रेट ऑफ फ्लक्चुएट करता रहता है, तो कभी 23 रुपीज हो जाता है और कभी 25 रुपीज ही हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स को सेफ्टी को लेकर कंसर्न रहता है। तो मैं आपको बता दूं, जो जॉर्जिया है वो 6th सेफेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। तो जॉर्जिया में आप सेफली मूव कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें चाहे आप रात में करें, आप बिल्कुल वहां पे सेफ है। बात करते हैं फ्लाइट ड्यूरेशन के बारे में। तो अगर आप दिल्ली से लेते हैं तिबलिसी की फ्लाइट, तो आपको ये पड़ेगी 10 से 11 घंटे। अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। तो जॉर्जिया को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि वहां पे MBBS 5 साल की है या 6 साल की है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, MBBS जॉर्जिया में होती है 6 ईयर्स की, ना कि वो होती है 5 ईयर्स की। कुछ एजेंट्स होते हैं इसको प्रमोट करते हैं 5 ईयर्स का बोल के, ताकि बच्चों को वो अट्रैक्ट कर सके। तो आप ये सोचो, अगर कोई कोर्स 6 ईयर्स का है, तो उसको कोई 5 ईयर्स बोल के कैसे प्रमोट कर सकता है? तो कोई तो रीजन होगा इसके पीछे। उसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। तो जॉर्जिया में ECTS सिस्टम फॉलो होता है। ECTS मतलब यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपको 360 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं थ्रू आउट योर MBBS। तो आपको जो फर्स्ट ईयर में क्रेडिट चाहिए, वो आपको चाहिए 60। तो अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके क्रेडिट बनेंगे 360। लेकिन कुछ एजेंट्स और साथ ही साथ कुछ कॉलेजेस भी ऐसे बोलते हैं कि आपको 72 आपको क्रेडिट आपको एक साल में हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इम्पॉसिबल है ये। और लास्ट में जब आप एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे भी 60 क्रेडिट एक साल में आपको मिलते हैं। तो आपने इस चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि जो फीस भी आपको वो दिखाएंगे, आपको वो 5 साल की शो करेंगे, आपके 6 साल का नहीं दिखाएंगे। तो मेक श्योर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और एक सही कॉलेज में एडमिशन लें। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ टीचिंग के बारे में। तो जॉर्जिया में जो MBBS की स्टडी होती है, वो होती है फुली इंग्लिश में। आपको वहां पे लैंग्वेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो वहां की जो पॉपुलेशन है, वो इंग्लिश अच्छी खासी बोल लेती है, और स्पेशली जो वहां का यूथ है, वो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। तो आपको लैंग्वेज को लेकर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको एक और चीज का भी फायदा होगा इसमें, जब आप क्लिनिकल रोटेशन पे जाएंगे, जब आप इंटर्नशिप करेंगे, तो यहाँ पे आपको पेशेंट से इंटरेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि और कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ पे जो उनकी लैंग्वेज होती है, तो वो सीखनी पड़ती है पहले, तभी आप वहाँ के पेशेंट से इंटरेक्ट कर पाते हो। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जॉर्जिया में, तो आपको यहाँ पे लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है लैंग्वेज को लेकर। अब बात करते हैं बजट के बारे में। अगर आप MBBS करते हैं जॉर्जिया से, तो आपका कितना बजट रह सकता है? तो आपका ये रह सकता है 35 लाख टू अप टू 50 लाख, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फीस, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, इंक्लूडिंग योर एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग योर फूड चार्जेस। जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैं जॉर्जिया में, वो प्राइवेट हैं, तो इस वजह से जो यहाँ का बजट है, वो स्लाइटली हायर रहता है अदर कंट्रीज से। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका नीट क्वालिफाई होना मस्ट है। अगर आपने पिछले 3 सालों में नीट दिया और आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपका वो स्कोर भी वैलिड होगा। और आपको चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट, और आपको चाहिए क्लास 12th की मार्कशीट, 8 पासपोर्ट आपको फोटोज चाहिए, और आपको चाहिए पासपोर्ट। अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया, तो आप पासपोर्ट अभी बनवा लें। एक चीज अलग है यहाँ पे अदर कंट्री से, वो क्या है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। और कुछ एजेंट्स ये बात आपसे छुपाते हैं कि आपका ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सीधा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंटरव्यू होता है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू इंटरव्यू होता है, जिसमें वो क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत सारे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, वी विल टेक केयर ऑफ दैट, वी विल टेल यू लाइक कौन से क्वेश्चन आएंगे, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, और आपका इंटरव्यू भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले एक्सपेंस है आपका फूड। तो फूड में आपका जो यहाँ पे एक्सपेंस आ सकता है, वो आपका आ सकता है 10,000, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेशनरी का आ सकता है, जो कि आ सकता है 2,000, और आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आप सिटी में ट्रैवल करते हैं, उसका हो गया 2,000, और आपको पॉकेट मनी भी चाहिए, और कम से कम आपको 7,000 पर मंथ तो चाहिए। तो आपका टोटल बनता है 21,000। तो जो जॉर्जिया के एक्सपेंसेस हैं, स्लाइटली हायर हैं अदर कंट्री से। और ये बात साफ साफ इंडिया की एम्बेसी है जो आर्मेनिया में, वहाँ लिखी गई है। अब मैं आर्मेनिया क्यों बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपको बात बताऊँ, जॉर्जिया में इंडिया की कोई एम्बेसी नहीं है, ठीक है, वो आर्मेनिया के साथ मर्ज हुई है। अगर आपको कोई भी काम पड़ता है, तो आपको आर्मेनिया जाना पड़ेगा। वैसे इतनी दूर नहीं है, 250 कुछ किलोमीटर दूर है, सारे काम आपके आर्मेनिया में ही होते हैं। और वहाँ पे साफ साफ ये बात लिखी गई है कि आपका जो एक्सपेंस आ सकता है मंथली,
जॉर्जिया में वो आ सकता है आपका 300 USD to 400 USD, यानी कि 25,000 से आपका 30,000 के करीबन ये आ सकता है। मोस्टली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जॉर्जिया की, उनको इतना टाइम नहीं हुआ एस्टेब्लिश्ड हुए, 5 से 6 साल इनको हुआ एस्टेब्लिश्ड हुए, और अगर आप इनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी चेक करोगे इनकी ज़्यादा नहीं होती, बहुत इनका लास्ट में जाके नंबर आता है। और बात करूं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, तो 100-150 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज है, उनकी जो रैंकिंग है वो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी को भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी रन करनी है तो उसके लिए उसको चाहिए होगी फंडिंग, और फंडिंग अब गवर्नमेंट तो आगे देगी नहीं, तो वो कहां से लेगी एट द एंड? स्टूडेंट से। तो यही पर इसी वजह से जॉर्जिया में जो फीस है MBBS की वो ज्यादा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। तो जब आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इतने साल पुरानी और कम फीस में मिल रही है, तो आपने प्राइवेट की तरफ क्यों जाना? जब हम टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हम करते हैं गूगल, और गूगल पे लिखते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज इन जॉर्जिया। तो जब आप वहाँ पे रिजल्ट जो भी देखता है उस पर बिलीव कर लेते हैं ब्लाइंडली, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुछ एजेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेंशन की हुई है। तो इन चीज़ों से बच के रहना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऊपर मेंशन कर देते हैं, ऐसा सेट कर देते हैं, तो ये आपको जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो पहले दिखाई दें और बाद में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो इन सब चीज़ों से आप बच के रहें। तो बेसिकली जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जॉर्जिया की वो गवर्नमेंट ही हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक तो है तबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और दूसरी है बातुमी छोटा मेडिकल यूनिवर्सिटी, और बाकी एक दो और यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट की, लेकिन उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये टॉप की यूनिवर्सिटी ये दो हैं, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी हैं प्राइवेट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका पर्सनल रिप्लाई करूंगा। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा एडमिशन कहाँ लें कहाँ ना लें, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।